हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो होप करता हूँ गाइस आप सब लोग बढ़िया हो गए हमारी तरह से हम लोग हैं। और आज है सुबह संडे। और क्यों आया, क्योंकि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो को ही बनाया था जिसमें हम लोग ने ऑस्टिन मशीन लगा के दिखाया था, लेकिन वो वीडियो प्रॉपर बनी नहीं थी। तो आज हम लोग ने पूरे टूल्स के साथ में आए और पूरा टाइम निकाल के आए कि ऑस्टिन मशीन जो है वो आज हम लोग अपने बाइक पर लगाने वाले हैं। और आज आपको अच्छे से फ्लाई बाय के साथ और सिनेमैटिक्स के साथ हमारी बाइक दिखाएंगे, जो कि देखो यहाँ पे शैडो खड़ा है, अपनी बाइक यहाँ पे पीछे खड़ी है तो आपको दिख रहा होगा। तो मतलब थोड़ी सी गद्दी हुई है तो आप थोड़ा सा इग्नोर करना उसको। और ये जो बैंड पाइप है वो बैंड पाइप को भी हम लोग जल्दी चेंज करने वाले। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते और एग्जॉस्ट लगाते, पहले इसको ओपन करेंगे। पहले आपको इसके साथ हम छोटा सा वीडियो दिखाएंगे कि एक बार आपको चला के दिखाएंगे कि ये कैसा साउंड करता है, और फिर ऑस्टिन रेसिंग का बताएंगे। तो आप हमको बताना कि आपको कौन सा आवाज अच्छा लग रहा है, कौन सा आवाज आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा आवाज आपको मतलब लाउड है, कौन सा सॉफ्ट है, वो आप हम लोगों को बताओ। कि हमारे हिसाब से जो हम लोग यूज कर रहे हैं फिलहाल अभी एसी का, वो हम लोग को सॉफ्ट लगता है। भाई ये जो ऑस्टिन रेसिंग का जो एग्जॉस्ट है इतना लाउड है भाई, इतना लाउड है कि 2 मिनट में अगर आप चलाओगे तो पूरा आपका सर दुखने लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने उसको सिर्फ लगाया था एक बार के लिए, फिर निकाल दिया। तो आज हम लोग सोच रहे कि उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए रखे। तो चलो फटाफट लगाते हैं, होप करता हूँ एग्जॉस्ट आपको अच्छा लगेगा। तो चलो फटाफट वीडियो को शुरुआत करते हैं और एग्जॉस्ट लगाते हैं। काफी ज्यादा एक्साइटेड है आज हम, क्योंकि आज हमारे पास टाइम भी है और अच्छी सी जगह भी है जो कि हम पूरा शूट कर सके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसका आवाज तो सुना एससी प्रोजेक्ट का, कि कैसा आवाज है कमेंट करके बताना। और इसका आवाज इतना लाउड नहीं है जो कानों में चुभे लोगों के। तो अभी ये रहा अपने पास ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट, जो कि हमने संभाल के रखा है। तो ये रहा एग्जॉस्ट, काफी दिन बाद हम इसको देख रहे और आज इसको हम इंस्टॉल करने वाले। चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास यहाँ पे है टूल किट, 46 पीस का टूल किट है। तो फ्रेंड्स, इसको चेंज करने के लिए अपने को लगने वाले ये वाले टूल किट। तो आधे टूल्स इधर उधर हो गए बैग में। तो चलो इसको इंस्टॉल करते हैं फटाक से। तो सबसे पहले अपने को लगने वाला है ये वाला टूल किट, और इसमें लगने वाला है जो टूल जो यहाँ से ओपन होगा। तो गाइस, ये रहा टूल और ये रहा अपना एग्जॉस्ट गाइस, जो मतलब बहुत ही लाउड साउंड करता है वो लगने वाला है यहाँ पे। मतलब कुछ लुक जो है वो पूरा चेंज होने वाला है, और साउंड क्या बोलूँ मतलब साउंड के बारे में मैं आपको। चलो तो चलो इसको लगाने से पहले इसको ओपन करना होगा। तो एसी को निकालते और फिर एकरा और फिर ऑस्टिन रेसिंग लगाते। एकरा क्यों आ रहा मेरे मुंह में पता नहीं। और हाँ गाइस, हमारे पास और दो एग्जॉस्ट है M4 के, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका अनबॉक्सिंग भी बताया था। तो वो एग्जॉस्ट अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं। तो अगर आप कमेंट करते हो तो फिर पीछे में दो M4 का एग्जॉस्ट लगाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि वो लगाओ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको लगा के दिखाएंगे। इससे कैसा है ना, अपने गाड़ी का जो सेंसर से वो हार्म हो सकता है, अपने गाड़ी को मतलब थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। इसके लिए हम लोग वो, अगर आप लोग बोलोगे तो ही हम लोग वो लगाएंगे, नहीं तो फिर इट्स ओके। जैसे हम लोगों जैसे वो पड़ा हुआ है वो पड़ा ही रहेगा। चलो थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए और हम दोनों मिलके आपको टाइम लैप्स एंजॉय करो, तो आपको पता चलेगा हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो स्प्रिंग जो है ऐसे लगी हुई रहती है और हम रस्सी लाना भूल गए, रस्सी या तार। तो फिर अभी झाड़ के डाली की मदद से हमने इसको निकाल दिया। तो गाइस ऐसा आता है, दो स्प्रिंग रहेगा, एक वो तरफ एक यहाँ पे। देखो अब यश निकाल रहा है, ऐसे निकालता है ये स्प्रिंग। आप लोग इसको हाथ से निकालने के लिए ट्राई मत करना गाइस, आपके हाथ में ये लग सकता है। बस अपना एससी प्रोजेक्ट है वो बाहर आ चुका है। और ये रहा अपना बैंड पाइप की हालत आप देख सकते हो गाइस, कि यहाँ पे कितना शाइन है।
जो एग्जॉस्ट के अंदर था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मतलब मट्टी लगा हुआ है। तो एग्जॉस्ट की हालत देख सकते हो क्या हालत होती है बारिश में। सो हम बाइक इतना ज़्यादा लॉन्ग राइड पे नहीं निकालते बारिश में, और हाथ भी गंदे हो चुके हैं, तो हाथ पोछ के अपना ऑस्टिन रेसिंग लगाते। चलो इसको रखते हैं पहले साइड में, वॉश करके निकल चुका है, और बिना एग्जॉस्ट के कुछ बाइक ऐसे दिखती है। तो यहाँ पे अभी सब सोए रहेंगे, संडे का मॉर्निंग है, नहीं तो आपको विदाउट एग्जॉस्ट भी आवाज़ सुना देता था। तो अभी ऑस्टिन रेसिंग का लगाते और आपको आवाज़ सुनाते हैं। तो आप फ्रेंड्स, ये स्प्रिंग लगाने को कितना टाइम लगता है, क्योंकि एक छोटी सी रस्सी और क्या बोलते हैं तार भूल गए हम लोग, तो उसकी वजह से ये सब यूज़ करके लगा रहा हूँ जैसे जैसे। तो कितना टाइम लग जाता है देखो, अभी पता नहीं इससे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें गीली डाली चाहिए, सूखी हुई रहेगी तो वो टूट जाती है। इसे देखो, अभी फिर से एक ढूंढनी पड़ेगी। सब में जो तार है वो तार हम लोगों ने लगा दिए, फुल टाइट लगा दिए, और अभी हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे ऐसा एक क्लिप, जो क्लिप क्या है ना कि वो उसको अटैच करके रखेगा, इसको रोक के रखेगा। तो काफ़ी गंदा है, लेकिन अभी क्या करें, कुछ ऑप्शन नहीं है। अभी फ़िलहाल में लगा देते हैं और इसको अच्छे से वॉशिंग करा देंगे लगाने के बाद, तो फिर अपने आप वो क्लीन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं निकल चुका हूँ ऑस्टिन रेसिंग लगा के, और आवाज़ तो आप देख सकते हो। ओ भाई तो कैलाश तो पीछे ईयरफोन डाल के बैठ चुका है, बोलता है मेरे को आवाज़ नहीं सुनना है, और कुछ काम रहेगा तो आवाज़ देना मेरे को, मतलब बुला लेना, क्योंकि आवाज़